चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। नेशनल हेराल्ड के दफ्तर पर सील लगाने के मामले में मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सामने आया है। कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि बीजेपी कांग्रेस को बदनाम करना चाहती है और अपोजिशन को खत्म करना चाहती है। दफ्तर सील उनका जो ईडी का प्रोसीजर है वो कर रहे हैं और हम ज्यादा इस पर टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहते हैं। ये तो एक पॉलिटिकल वेंडेटा की बात है, तो इसको बार बार हम दोहराने से मुझे ठीक नहीं लगता। अगर वो सरकार चाहती है कि ऐसे चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना, तो खुद निष्पक्षपात से वो अपना काम करती, लेकिन वो इतने जल्दबाजी में हर चीज़ कर रहे हैं। इसका मतलब यही है कि कांग्रेस को बदनाम करना और कांग्रेस को डिमोरलाइज करना और जो बीजेपी के विरोधी दल है उन दलों को खत्म करने की कोशिश वो कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस लीडर राहुल गांधी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं, कर लें जो करना है। नहीं देखिए, आप नेशनल हेराल्ड की बात कर रहे हैं जी सर, देखिए ये पूरा इंटिमिडेशन का अटेम्प्ट है। ये सोचते हैं कि थोड़ा सा मतलब प्रेशर डाल के हमें चुप कर देंगे, जो गलत नहीं होने वाले जी। जो इस देश में नरेंद्र मोदी जी अमित शाह जी कर रहे हैं लोकतंत्र के खिलाफ, उसके खिलाफ हम खड़े रहेंगे, चाहे कुछ भी करें। भागने की कौन बात कर रहा है, भागने की वो बात कर रहे हैं। देखिए सुनिए बात, हम इंटिमिडेट नहीं होंगे, हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं, समझ गए बात। कर लें जो करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। राहुल जी बोलने दीजिए जी। जो मेरा काम है देश की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना, देश में जो हार्मनी है उसको मेंटेन करना, वो मैं करता रहूंगा। ये कुछ भी कर लें। वही नेशनल हेराल्ड के मामले पर अब कांग्रेस और मरकजी हुकूमत आमने सामने है। इसी मुद्दे पर कांग्रेस के दलित सेल के चेयरमैन शिवाजी राव ने तहजीब टीवी के साथ की खास बातचीत। और मैं तो समझता हूँ ये जो भी कार्रवाई कर रहे इस तो पार्टी का वर्कर तो मजबूत हो रहा है, लेकिन बहुत सारे वर्कर जुड़ रहे हैं क्योंकि ये गलत काम है, ये सत्ता का दुरुपयोग है, एक सही मानों में केंद्र शासन का नीचतापन है। क्योंकि जिस अखबार ने देश के बारे में जो देश स्वतंत्र होने के लिए इतना सारा काम किया, इतना बड़े उसे फोर्स लगाया और देश को स्वतंत्रता मिली, और ऐसे स्वतंत्रता बोले तो कौन, कांग्रेस ने। ये जो आज अपोजिशन वाले हैं, जो बीजेपी है वाले, ये कहाँ थे वहाँ। सारे लड़ाई जो कांग्रेस ने लड़ी और कांग्रेस लड़ी और जो माध्यम से लड़ी वो नेशनल हेराल्ड था, बहुत बड़ा उसका कॉन्ट्रीब्यूशन है। अच्छा, और उसके जितने भी व्यवहार है कंपनी लॉ के हिसाब से एक भी गलत नहीं, सारे चेक से व्यवहार हुए है। और हर एक कोई भी देश का नागरिक ये बोलता है कि ये जो कार्रवाई कर रही दुष्टतापूर्ण से कर रहे, जानबूझकर कर रहे। मेरा व्यक्तिगत एक मत है, उनको लग रहा है कि गांधी फैमिली जो है, ये कांग्रेस की लीडरशिप है, ये ऐसे से डरने से डर जाएंगी। लेकिन गांधी फैमिली का इतिहास ऐसा है, राहुल जी का भी इतिहास है और उनके सब फादर का भी इतिहास है, वो डरते नहीं, सत्य के पीछे रहते हैं और सत्य का विजय एक दिन होते रहेगा। ऐसा ही इंदिरा जी को उस टाइम के जो गवर्नमेंट ने ऐसा छेड़ा था, उसको अरेस्ट भी किया था, लेकिन एक ऐसा आपको देखा है कि 1.5-2 साल में इंदिरा जी पूरे देश में छाई हुई है। आज ही हमारे राहुल जी इस देश में ऐसे नेता है जो केंद्र शासन के खिलाफ, अब इसके मोदी के खिलाफ में चटकर है और एक शब्द भी कोई इतना भी वो डरते नहीं, मजबूती से है। वहीं मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने राहुल गांधी पर तंज कसा। उन्होंने कहा है कि वो एक पार्ट टाइम इररिस्पॉन्सिबल पॉलिटिशियन है। उन्होंने ये कहा है कि चर्चा नहीं करना चाहते, चर्चा हो गया तो इतना अज्ञान प्रदर्शन करते ही रहते हो, वो समझता है उनका राइट है, एग्जिबिटिंग द इनोसेंस, आई मीन हिज इनोसेंस, ही फील्स दैट इट इज राइट, अज्ञान का एग्जिबिशन, ही फील्स दैट इट इज राइट। सो आई कांट, मैं बहुत ज़्यादा इसमें बोलना नहीं चाहता हूँ, चर्चा हो गया, रिप्लाई हो गया, सब कुछ हो गया, वो इधर उधर घूमते रहते हैं ना, उनको कुछ पता नहीं चलता, ये पार्ट टाइम इररिस्पॉन्सिबल पॉलिटिक्स है, पॉलिटिशियन है।
वहीं बीजेपी के सांसद एसपी बघेल ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी को लगता है कि उन पर लगाए गए आरोप गलत हैं तो वो अपनी सफाई दे सकते हैं। देखिए, संविधान और कानून के आगे सभी लोग बराबर हैं और कोई उससे ऊपर नहीं है, सभी उसके नीचे हैं। अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध नहीं किया तो उसे नहीं डरना चाहिए, लेकिन किसी को सम्मन बुलाने का मतलब होता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर है, अपनी बात कहने का उनको एक मौका, किसी को भी मौका मिलता है। किसी भी प्रकार की डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अगर है, वो चाहते हैं कि अगर उनको गलत चार्ज लगे हैं तो अपनी सफाई दे सकते हैं, तो सम्मन देने में किसी को अपमानित महसूस नहीं होना चाहिए। वो तो एक प्रक्रिया है, सम्मन आता है फिर सम्मन आता है, कोई नहीं आता है तो बिलेबिल वारंट आता है, फिर बिलेबिल आता है, नहीं आता है तो नॉन बिलेबिल वारंट आता है। ये ईडी की, सीबीआई की अथवा माननीय अदालतों की, ये एक न्यायिक प्रक्रिया के तौर तरीके हैं। किसी को डराने और की जरूरत नहीं है। मोदी जी ने तो कहा ना, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास तो सबका प्रयास। साथ ये भी है कि ये संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनके समय जरूर सीबीआई को कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहा जाता था और उन्होंने अपना पावर का दुरुपयोग भी किया है, संवैधानिक ताकतों का भी दुरुपयोग किया था। आपातकाल लगाना सबसे बड़ा इनटॉलरेंस का उदाहरण था। वहीं शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी चाहती है कि मुल्क में अपोजिशन ही ना रहे, ये बीजेपी का षड्यंत्र है। अभी भी कहूंगी कि एम्बोल्डन एंड एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी बनकर रह गया है कि ऑपोजिशन के सारे नेतागण हों, उनके दफ्तर हों, उन पे छापे मारकर उनको सील कर ये प्रेशर बनाने की आदत है कि इनको किसी भी तरीके से इनको रोका जाए, इनको चुप कराया जाए और कोई देश में विपक्षी ना रहे। ये केंद्र सरकार का पूरा षड्यंत्र है। हम इसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे और संजय राव जी खुद आप देख रहे हैं किस तरीके से ईडी के हिरासत में है। ईडी जब पार्लियामेंट सेशन में है, ना चेयरमैन को बताए, वाइस प्रेसिडेंट ऑनरेबल चेयरमैन को, राज्यसभा के चेयरमैन को ये इन्फॉर्मेशन दिए कि उनको डिटेन किया जा रहा है या अरेस्ट किया जा रहा है, तो जो मनमानी काम हो रहा है और सारी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ को अंडरमाइन किया जा रहा है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। अब देखिए, जिस तरीके से पूरे उनके सारे ऑफिसेज हों, 10 जनपद हो, राहुल गांधी जी का रेजिडेंस हो, सब जगह इतनी पुलिस की वो बढ़ा दी है, सिक्योरिटी वहाँ पर बढ़ा दी है, लोगों का आना जाना वहाँ पर रोक दिया है, तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि ये एक कॉन्फिडेंट सत्ता पक्ष नहीं है, ये कमज़ोर सत्ता पक्ष है, ये एक मजबूर सत्ता पक्ष है जो मजबूर होकर इस तरीके से सेंट्रल एजेंसीज का इस्तेमाल कर अपनी नाकामियों को छुपा रहा है। पर ये सच्चाई है कि जो लोग सच्चाई के लिए लड़ते हैं वो किसी से ना डरते हैं। संजय राव जी भी ये लड़ाई लड़ रहे हैं महाराष्ट्र में और यहाँ पर सारे विपक्षी नेता एकजुट होकर एक आवाज़ में इस तरीके की कार्रवाई की निंदा करते हैं। वहीं दूसरी तरफ शिवसेना के सांसद संजय राउत को राहत मिलती हुई नहीं दिख रही है। अदालत ने उन्हें 8 अगस्त तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है। संजय राउत की हिरासत का वक्त खत्म हो गया था, इसके बाद उन्हें ईडी की स्पेशल कोर्ट पे पेश किया गया। अदालत ने उन्हें 5 और दिन ईडी की कस्टडी में भेजने का फैसला किया है। इससे पहले राउत को 1 अगस्त को ईडी के स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। ईडी ने उनकी 8 दिनों की कस्टडी की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने उन्हें 4 अगस्त तक हिरासत में भेजा था। वहीं दूसरी तरफ शिवसेना को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने कहा है कि अभी वो शिवसेना के निशान पर कोई फैसला नहीं देने वाला। साथ ही कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कहा है कि इस मामले में कोई फैसला न ले, सभी फरीक हलफनामा दाखिल कर सकते हैं। 8 अगस्त को इलेक्शन कमीशन में जवाब दाखिल करना है। अगर फरीक जवाब दाखिल करने के लिए वक्त मांगते हैं तो इलेक्शन कमीशन उसे वक्त देने पर चर्चा कर सकता है। वहीं सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे गुट से सवाल किया कि अगर आप चुने जाने के बाद राजनीतिक दल को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे हैं तो क्या ये लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं? अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई 8 अगस्त को करेगा। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के सांसद प्रवेश वर्मा ने शराब पॉलिसी को लेकर दिल्ली के वजीर आला और नायब वजीर आला पर निशाना साधा। ये बहुत हैरानी की बात है कि जैसे सीबीआई की जांच खुलती है तभी दिनेश अरोड़ा वो अपने इंस्टाग्राम से वो सारी पिक्चर को डिलीट कर देता है। जब वो अरविंद केजरीवाल जी से मिलता था तब वो फोटो खिंचवाकर इंस्टाग्राम पर डालता। रात को रेस्टोरेंट में मनीष सिसोदिया जी से मिलते हुए वो वहां पर रेस्टोरेंट में तो बात तो उसने सारी फोटो को डिलीट कर दी।
वो फोटो हमें मिली। अगर कोई गड़बड़ी नहीं है तो आपने फोटो को क्यों डिलीट किया? आप क्यों भागे हुए हैं? आज आप देश में भी नहीं है दिनेश अरोड़ा। जैसी सीबीआई जांच खुलती है वो देश छोड़कर चला जाता है। ये सारा जो गेम था, ये दिल्ली में L1 जो लाइसेंस होल्डर है उनके द्वारा चलाया जा रहा था। वहीं पंजाब में पानी की कमी को देखते हुए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा ने वजीर खजाना निर्मला सीतारमन से एक बड़ा पैकेज देने की मांग की है। पंजाब ने अपना पेट काटकर देश का पेट भरने का काम किया। पंजाब के किसानों ने, पंजाब ने 1965 में जब देश में अनाज की कमी हुई, जब देश अनाज के एक बहुत बुरे दौर से गुजर रहा था, हमें देश का पेट पालने के लिए दुनिया भर से अनाज इंपोर्ट करना पड़ रहा था, उस दौर में पंजाब के किसानों ने देश का पेट भरा। ग्रीन रेवोल्यूशन यानी कि हरित क्रांति की शुरुआत हो या फिर धान की खेती एक बड़े पदर पे, बड़े लेवल पे करने की बात हो, पंजाब के लोगों ने, पंजाब के किसानों ने वो करके दिखाया, जिसके चलते पंजाब ने धान की खेती करके देश का तो पेट पाला लेकिन पंजाब का पानी सूखता गया। और आज पंजाब में हालत यह है कि 500 फीट 600 फीट जमीन के नीचे भी पानी नहीं मिलता है। पंजाब में पानी की यह हालत देखते हुए और पंजाब के किसानों की हालत देखते हुए मैंने माननीय वित्त मंत्री जी से एक बड़े फाइनेंशियल पैकेज की और साथ ही साथ पंजाब को एडिशनल वाटर रिसोर्सेज देने की बात रखी। वो पंजाब जिसने मुश्किल दौर में भारत देश का पेट भरा, आज वो पंजाब सूबा अपने देश की सरकार के ओर देख रहा है, अपने देश की दिल्ली में बैठी सरकार की ओर देख रहा है और कह रहा है कि अब मुश्किल दौर में हमने आपका साथ दिया, अब आप हमारा साथ दीजिए और हमें एक बड़ा फाइनेंशियल पैकेज मिलना चाहिए, एडिशनल वाटर रिसोर्सेज हमें मिलने चाहिए। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए तहजीब टीवी के साथ।